सितारगंज में पूर्व विधायक नारायण पाल और सहवासियों ने उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर शहर में हो रहे सौंदर्यीकरण को लेकर उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं आपको बता दें कि शहर में हो रहे सौंदर्यीकरण को सही ढंग से कराने की मांग भी की है। पूर्व विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा कुछ आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं और उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में PWD से वार्ता कर आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा, उसके बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 663 लोगों का जो प्रतिष्ठान है उन्हें तोड़ने की जो कोशिश है उसमें नैनीताल हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और स्टे भी इसका हो गया है। इन्होंने जिला प्रशासन को मिसगाइड किया है और इसके स्थानीय स्तर के जो PWD के अधिकारी हैं वो भी इसमें हैं और कुछ छोटे भैये नेता हैं जो हैं तो जनता के नेता अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो उनकी दिलचस्पी 663 मकानों को तोड़ने में है। प्रशासन जो इसे PWD के लोग हैं उन्होंने रूट और अलाइनमेंट उसका चेंज कर दिया है। उसके जो नियत था, जो वित्त विभाग से जो पोषित योजना थी वो दूसरी जगह थी, लेकिन उसको दूसरी जगह उन्होंने काम करने की कोशिश की। ये आप बुरे फंसे हैं तो गलत सलत तर्क जो है प्रशासन को दे रहे हैं, पुलिस को दे रहे हैं, तो ये दबाव में तोड़ना चाहते हैं। और इन्होंने जो तर्क दिए हैं हाई कोर्ट के भी और शासनादेश जो इन्होंने बताया, इनके पास कोई ना आदेश है ना कोई शासनादेश है। ये बिल्कुल मतलब वो मेरे ख्याल से उस योजना को ठप करके पैसे बनाने की इनकी चाहत है, यही है। नहीं, ये IAS अधिकारी हैं और नए आए हैं, जिस तरीके से इन्होंने बात को सुना मुझे ऐसा लगता है कि ये उसमें न्यायोचित कार्रवाई करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और जनता का जो नुकसान होगा तो कोई भी प्रशासन नहीं है कि जो जनता का नुकसान करे। ये SDM जो गौरव जी हैं इनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे इस बार।